अपने पेज नंबर टू पर ये क्वेश्चन भाई, वो लास्ट पे क्या था, सेवेंथ पार्ट दिख रहा है ना? हाँ, उसके नीचे वाला क्वेश्चन देखो. इफ ए बी द इवेंट दैट सम ऑफ द टू नंबर्स इज इक्वल टू सिक्स, बी इज द इवेंट इज द लार्जेस्ट ऑफ द टू नंबर्स इज फोर, फाइंड प्रॉबिलिटी ऑफ साइमल्टेनियस अकरेंस ऑफ बोथ द इवेंट. ऑफकोर्स दो डाइस को फेंका गया, दो पासों को फेंका गया है, ठीक है, दो अलग अलग पासों को फेंका है. सम ऑफ टू नंबर्स जो है वो सिक्स है, ये एक इवेंट है. हाँ तो बताओ क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी दोनों इवेंट साथ हो. लार्जेस्ट ऑफ द टू नंबर्स इज फोर. और नंबर्स डिफरेंट भी लिखा है, लार्जेस्ट ऑफ द टू नंबर्स इज फोर. दोनों में कॉमन क्या है, कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर्स हैं जो कॉमन है? टू फोर और फोर टू. टू फोर और फोर टू. और कुछ, कितना आंसर आ जाएगा? टू बाई थर्टी सिक्स, ठीक है, लिख लो आंसर है टू बाई थर्टी सिक्स. कोई डाउट? सही ना, सम छः तो कितना है, कुछ नहीं, एक पाँच, पाँच एक, दो चार, चार दो, तीन तीन, और उनमें से लार्जेस्ट ऑफ द टू नंबर इज फोर, ठीक है ना? और नंबर्स डिफरेंट हो तो कितना आएगा, टू फोर फोर टू आ जाएगा. अगला क्वेश्चन देखो. क्या लिखा है, लीप ईयर सेलेक्टेड एट रैंडम. हाँ भाई, लीप ईयर में कितने साल होते हैं? चार साल के बाद एक आता है. लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? अच्छा मान लो एक साल में अगर 364 दिन होते तो हफ्ते कितने होते? हाँ, क्योंकि इसको सात से डिवाइड करोगे ना कितना आएगा, 52. तो इसको बेसिकली सात से डिवाइड करोगे ना तो कितना आएगा, 52 क्वेश्चन आएगा, रिमाइंडर 2 आएगा. तो लीप ईयर यानी कि जिसमें 366 डेज हो उसमें होता क्या है कि लीप ईयर आने का रीजन तो पता ही है ना, एक साल में कितने दिन होते हैं? 65. कितने दिन और कितने घंटे होते हैं? एक साल में होते हैं करीब 365 दिन, 5 घंटे 30 मिनट, समथिंग समथिंग, ठीक है ना, 5 घंटे 30 मिनट होते हैं. तो फिर वो धीरे धीरे, फिर वो उसको क्या है, वो काल चक्र जानते हो आप, ठीक है ना, फिर उसमें बाद में एडजस्ट करते हैं, ठीक है. एनी विच वेज, पॉइंट इज की 52 वीक्स हैं और 2 डेज हैं. अब ये 2 डेज कैसे एडजस्ट होते हैं ना, अगर ऐसा होता ना कि अगर मान लो ये 364 दिन होते एक साल में, तो जितने संडेज हैं उतने ही मंडेज होते, उतने ही ट्यूजडेज होते, यानी कि सब बराबर 52 होते है ना, यानी कि संडेज भी 52, पर अपने को क्या है, दो एक्स्ट्रा दिन मिल गए. तो इस वजह से क्या होता है, मान लो ये साल है ना स्टार्ट हुआ ऐसे, पहले जनवरी को था, मंडे था, ठीक है, हाँ, तो आप बता सकते हो कि उस साल उस लीप ईयर में जो लीप ईयर स्टार्ट हुआ है 1 जनवरी को था उस दिन मंडे, तो उसमें कितने संडे कितने मंडे थे? संडे, कोई दो चीज आई होंगी ना 53, और बाकी चीजें क्या होंगी 52,
वो क्या है? मंडे के बाद क्या आता है? क्या बात, मंडे के बाद क्या आता है? ट्यूसडे। तो 53 क्या आएंगे मंडे, 53 क्या आएंगे ट्यूसडे, और बाकी सारे क्या आएंगे 52। लिख लो, लिखो। अगर साल की शुरुआत आपकी मंडे से होती है तो उस साल मंडे कितने आएंगे? 53। ट्यूसडे कितने आएंगे? 53। बाकी सब क्या आएंगे? 52। अच्छा, जब से ये संसार स्टार्ट हुआ है, ठीक है, तब से कितने लीप ईयर हो चुके हैं? इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट लीप ईयर्स। अच्छा, उन इनफाइनाइट लीप ईयर्स में वो कौन कौन से साल हैं, वो कितने साल हैं जिनमें पहली तारीख को मंडे आया? इनफाइनाइट। इक्वली लाइकली है ना ये इवेंट, इक्वली लाइकली कि जितने भी लीप ईयर्स हुए उनमें वो लीप ईयर जो मंडे से स्टार्ट हुए, वो लीप ईयर जो ट्यूसडे स्टार्ट हुए, सब इक्वली लाइकली। ठीक है, बस कहानी सुन लो, ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, किसी भी लीप ईयर की शुरुआत या तो मंडे से या ट्यूसडे से या संडे से, सात ही ऑप्शन है लीप ईयर के। साल की शुरुआत के कितने ऑप्शन है? 7, ओनली 7। तो यानी कि या तो साल की शुरुआत मंडे से या ट्यूसडे से या वेडनेसडे से या थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, इसके अलावा तो कोई और दिन नहीं होता। तो ये 7 ऑप्शंस क्या हो गए आपके? एग्जॉस्टिव, इनके अलावा और कुछ नहीं है, सही है। अच्छा, ये एक्सक्लूसिव भी है क्योंकि इनका इंटरसेक्शन कितना आएगा? 5। जिस साल को, जिस साल पहली तारीख को मंडे आया, उस साल पहली तारीख को ट्यूसडे हो सकता है क्या? नहीं, जब मंडे तो मंडे है भाई, है ट्यूसडे क्यों होगा उस दिन? ठीक है, तो ये एग्जॉस्टिव है, एक्सक्लूसिव है और इक्वली लाइकली है, और हैं कितने? ये 7। तो अगर मान लीजिए कुछ 7 इवेंट हैं, वो एक्सक्लूसिव, एग्जॉस्टिव और इक्वली लाइकली है, ठीक है, तो उनकी प्रोबेबिलिटी कितनी कितनी होगी? अरे कितनी कितनी होगी? होगी ना भाई 1/7 होगी ना, तभी तो उनको जोड़ के कितना आएगा? 1। उनका यूनियन कितना है? 1, क्योंकि एग्जॉस्टिव है, सबकी प्रॉबलिटी बराबर है और सब डिसजॉइंट है। तो जब ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी यूनियन लिखोगे ना तो 1 आएगा, और केवल क्या आएगा? ए बी सी डैश, और इंटरसेक्शन वाले, ए इंटरसेक्शन बी वाले टर्म कितने आएंगे? 0। ऐसे ऐसे आएगा, तो 7 अल्फा अगर 1 है तो अल्फा कितना आ जाएगा? 1/7। दिखा? हाँ, तो प्रॉबलिटी की साल की शुरुआत मंडे से हो कितनी है? 1/7। प्रोबेबिलिटी की साल की शुरुआत ट्यूसडे से हो कितना है? 1/7। गॉट इट? पढ़ो दोबारा, क्या लिखे? फाइन प्रोबेबिलिटी दैट इट हैज 53 संडे। 53 संडे कैसे होंगे? 53 संडे शुरुआत है तो संडे से हो या सैटरडे से हो, आइदर द ईयर स्टार्ट विथ सैटरडे और संडे। रोज खाओ अंडे, ठीक है, कितना आ गया आंसर? कितना आ गया? 2/7। आइदर सैटरडे और संडे, 1/7 प्लस 1/7, 2/7। लिखो आंसर 2/7। अरे ऐसे लिख लेना अच्छे से, प्रोबेबिलिटी ईयर स्टार्ट्स विद सैटरडे और संडे, अच्छे से लिख लेना, ईयर स्टार्ट्स विद सैटरडे और संडे। कॉपी में लिखना है बेटे वो तो, जो मैं बोल रहा हूँ तो कॉपी में लिखना है। अगला क्वेश्चन पढ़ो। ऑड्स इन फेवर और ऑड्स अगेंस्ट बता दिया मैंने आपको। ऑड्स इन फेवर क्या होता है? प्रोबेबिलिटी जीत अपॉन प्रोबेबिलिटी हार। ऑड्स अगेंस्ट क्या होता है? प्रोबेबिलिटी हार अपॉन प्रोबेबिलिटी जीत। अ बैग कंटेन्स 5 ग्रीन एंड 4 ब्लैक बॉल्स, ब्लैक लिखा है, ब्लॉक नहीं है, ब्लैक बॉल्स है। फाइंड ऑड्स इन फेवर ऑफ इवेंट्स ऑफ ड्रॉइंग 3 बॉल्स ऑल बीइंग ग्रीन। हाँ भाई, इवेंट क्या है? ऐसा करते हैं, पहले तो निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑल 3 ग्रीन। हाँ भाई, कैसे आ गए प्रोबेबिलिटी की तीनों ग्रीन है? हम्म,
तीन बॉल ड्रॉ करिए, सबको डिफरेंट माना है, सेम मानना है या क्या करना है? सबको डिफरेंट मानेंगे, सबको डिफरेंट मानेंगे। तो भाई कितनी बॉल हैं टोटल? अरे टोटल कितनी बॉल हैं? ठीक है, तो कितने अलग अलग आउटकम हो सकते हैं? 9C3। ठीक है, इतने अलग अलग कलेक्शन। ठीक है, 9 में से 3 सेलेक्ट करने का तरीका। अब इस ऊपर क्या है, फेवरेबल क्या होगा अपने लिए कि तीनों बॉल जो है वो कौन से आ जाए? ग्रीन आ जाए। क्या आ जाए? तीनों कितने आ जाए? ग्रीन आ जाए। ग्रीन कितनी है? तो तीनों ग्रीन सेलेक्ट करने का तरीका कितना होगा? 5C3। ओके, ठीक है, ये हो गया आपका प्रोबेबिलिटी तीनों बॉलों का ग्रीन आने का। क्या निकालना है? ऑड्स इन फेवर। ऑड्स इन फेवर क्या होता है? मान लो ये अल्फा है तो जीत, जीतने का चांस अपॉन हारने का चांस, मतलब होना अपॉन न होना। ऑड्स इन फेवर क्या होता है? होना अपॉन न होना। ऑड्स अगेंस्ट क्या होता है? न होना अपॉन होना। ठीक, तो होना अपॉन न होना निकाल लोगे, वैल्यू तो निकाल लोगे, है ना। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन, फाइंड प्रॉबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट। 4 कॉइन्स आर टॉस एट अ टाइम। चार सिक्के, चारों को उछाल दिया एक साथ, हेड एंड टेल कम ऑल्टरनेटिवली। सही, या तो ये हो जाए, ऑल्टरनेट आने का मतलब क्या है? HTHT या THTH? हाँ चलो भाई, तुम बताओ क्या आंसर आएगा इसका। ऐसी बता दो, सिंपल है तो 2/16 आ जाएगा ना आंसर। दो और, बस 2/16। भाई आप जब चार बार सिक्का उछालते हो तो क्या क्या होता है? HHHH हुर, कितने भिन्न भिन्न आउटकम आएंगे? 16। समझ में आ रही बात? 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, तो कितने आउटकम है सैंपल स्पेस में? 16 अलग अलग आउटकम है, और हर एक आउटकम का चांस क्या है? बराबर बराबर, इक्वली लाइकली ना, 1/16 1/16 1/16 सबका। तो ये आइदर दिस और दिस का क्या हो जाएगा? 1/16 + 1/16, है ना भाया? इंटरसेक्शन कितना आएगा? 0। दोनों एक साथ तो हो ही नहीं सकते ना भाई। ठीक है, ये आपका आंसर। अगला देखो, नंबर ऑफ हेड अकरिंग इज मोर देन टेल एंड टेल ऑलवेज अपेयरिंग, कौन सा वाला आएगा? चलो भाई, हाँ भाई, तो ए, हाँ तुम बताओ, इवेंट बताओ। जैसे ये इवेंट था ना, लिखो इवेंट, सेकंड पार्ट के लिए इवेंट लिखो। शाबाश, टेल है, यही कह रहे हो ना? आगे बोलो, और कोई इवेंट? इतना मुश्किल तो नहीं है, अटकना तो बनता ही नहीं है इसमें। सर वो 1/4 हो जाएगी प्रोबेबिलिटी। सही है, आंसर सही है। हैच हेड 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 और ये टेल हेड, हेड टेल हेड हेड और क्या है? टेल हेड हेड हेड। सही, इनमें क्या है? हेड ज़्यादा बार आ रहा है टेल से और टेल आ रहा है। तो ये कितने इवेंट है? 4। और हर एक का प्रोबेबिलिटी क्या है? बराबर, हर एक का प्रोबेबिलिटी कितना है? 1/16। 1/16 कितनी बार? 4 बार। इंटरसेक्शन कितना है इनका? 5। कोई भी दो का इंटरसेक्शन 5 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस और दिस और दिस कितना आएगा? 1/16 + 1/16, खत्म। हाँ भाई, थर्ड पार्ट, एग्जैक्टली 2 हेड अगर, हाँ भाई लिखो, एग्जैक्टली 2 हेड। ऐसा करो, इसको है ना अरेंजमेंट से बताओ कितने आएंगे, अरेंजमेंट से बताओ कितने इवेंट होंगे जहां पर एग्जैक्टली 2 हेड आएगा। अरेंजमेंट से बताओ एग्जैक्टली 2 हेड कितने होंगे जब 4 बार सिक्कों को उछाला गया।
पेन मत चलाओ भाई, पेन मत चलाओ। सिक्स आएगा। अलाइक ऑब्जेक्ट का अरेंजमेंट है ना, जैसे ये है, ये सब क्या है, अलाइक ऑब्जेक्ट के अरेंजमेंट है, ठीक है ना। चार ऑब्जेक्ट है, थ्री अलाइक ऑफ वन काइंड, वन अलाइक ऑफ अनदर काइंड, तो अरेंजमेंट कितने होंगे, फोर फैक्टोल अपॉन थ्री फैक्टोल वन फैक्टोल, ये कितना आएगा, चार। पढ़ो दोबारा पढ़ो, एग्जैक्टली टू हेड है ना, तो एग्जैक्टली टू हेड वाले कौन से होंगे, ऐसे होंगे, एग्जैक्टली टू हेड ऐसे, तो ये क्या अलाइक ऑब्जेक्ट का अरेंजमेंट है, फोर फैक्टोल टू फैक्टोल टू फैक्टोल, कितना आ जाएगा, सिक्स आ जाएगा, ठीक है। आप चाहो तो गिन भी सकते हो, ऐसा गिनने में कोई दिक्कत नहीं है, गिन लो आप, गिने ना बनने, ठीक है। तो कितना आएगा, सिक्स बाई सिक्सटीन आपका आंसर, ठीक है। आगे पढ़ो, हाँ भाई, वो जो इंडिपेंडेंट इवेंट वाला पार्ट है ना, उसको आप भूल जाओ, ठीक है ना। आप तो क्वेश्चन देखो, ठीक है, इंडिपेंडेंट इवेंट बाद में करेंगे। क्वेश्चन देखो, इफ़ वी हैव थ्रोन 100 हेड्स, मान लो आपने क्या किया, 100 सिक्के उछाले और 100 बार हेड आया, दे हेड, फिर हेड, फिर हेड, हेड पे हेड, हेड पे हेड, फिर आपने क्या किया, थोड़ा रुके आप, फिर आपने फिर सिक्का उछाला, अब की बार हेड आने का चांस क्या है, हाँ 1/2 आएगा, है ना, 1/2 आएगा, ऐसा फर्क नहीं, पास से फर्क नहीं पड़ता, पास में क्या हुआ है, जो हो गया सो हो गया। अब आप दोबारा देखेंगे तो हेड और टेल के आने का चांस क्या रहेगा, सेम रहेगा। सिक्के की कोई मेमोरी थोड़ी ना है, क्योंकि इसकी कोई मेमोरी में स्टोर्ड हो गया, 100 बार हेड आया आपकी बार, मुझे थोड़ा सा चेंज करना चाहिए, ठीक है, सिक्के की कोई मेमोरी नहीं है, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन, टू नेचुरल नंबर्स आर सेलेक्टेड रैंडमली फ्रॉम द सेट ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स, फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट देयर सम इज ऑड। बताओ भाई, सम ऑड, सम ऑड कैसे आएगा, दो नंबरों को जोड़ के, एक ऑड एक इवन, लिखो ऑड प्लस इवन क्या होता है, ऑड होता है। तो अपने को क्या करना है, सैंपल स्पेस क्या है, सिलेक्शन, दो नेचुरल नंबर सेलेक्ट किए रैंडमली, कौन कौन से नंबर हैं, 1, 2 से लेकर के 20, ये 20 नेचुरल नंबर है, कितना आएगा, 20C2। एक ऑड लेना है, कितने ऑड है यहाँ पर, 10, कितने इवन है, तो एक ऑड सेलेक्ट किया और एक इवन सेलेक्ट किया, ये आपका आंसर। वन ऑड नंबर इज सिलेक्टेड, वन इवन नंबर इज सिलेक्टेड, और टू एनी टू नेचुरल नंबर आर सिलेक्टेड, ये आपका आ गया सम ऑड आने का नंबर ऑफ ये प्रॉबिलिटी। सम इवन आने का क्या होगा, सही है ना, सम इवन आने का क्या आएगा, 1-, ठीक है, या फिर जैसा अभी एक चतुर आदमी ने बताया, दोनों इवन दोनों ऑड, तो दोनों इवन दोनों ऑड कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, बोथ इवन, या तो दोनों इवन नंबर ले लो, और मतलब आइदर दिस और दिस, और दोनों एक साथ तो हो नहीं सकते, इसीलिए इंटरसेक्शन कितना आएगा, जीरो। बार बार देख रहे हो आप, आइदर दिस और इंटरसेक्शन कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है, तो बोथ इवन बोथ ऑड है ना, अच्छे से लिख लेना, बोथ इवन बोथ ऑड, दोनों इवन हो जाए या दोनों ऑड हो जाए, तो ऑड प्लस ऑड कितना होता है, इवन, इवन प्लस इवन कितना होता है, इवन। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन, टू नंबर्स आर रैंडमली सिलेक्टेड फ्रॉम सेट ऑफ फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर, प्रॉबिलिटी ऑफ सेलेक्टेड पेयर इज कोप्राइम, कोप्राइम पता है ना, HCF कितना होता है, 1। अच्छा ये पता है, 1 इज कोप्राइम विद एवरी नंबर, यानी कि 1 और 2 क्या कोप्राइम है, हाँ है,
आईआईटी वाले बहुत होशियार लोग हैं ना, वो जानते हैं कि आप लोग क्या करते हैं, आप लोग आलसी हैं, आप ढूंढते हैं टेंसी टू टेंसी वन इस तरह की चीज़ें, ठीक है, यानी कि जो जल्दी काउंट कर पाए किसी लॉजिक से, परमिटेशन से, अरेंजमेंट से। पर कई बार, बहुत बार उन्होंने ऐसे क्वेश्चन दिए हैं जहाँ पर आपको एक्चुअली में गिनती करनी पड़ जाएगी। क्या करनी पड़ जाएगी? गिनती करनी ही पड़ जाएगी। तो ये एक ऐसा सवाल है जिसमें गिनती करनी ही पड़ेगी। करो गिनती। हाँ, पहले छह नंबर्स में से देखो कि कौन कौन से पेयर कोप्राइम ले सकते हो तुम। भाई 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 छापो, लिखो 1 1 1 2 सॉरी 1 1 तो नहीं आएगा ना, दो अलग अलग नंबर लेने। 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 लिखो बेटे, 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 वो डिपेंड करता है कि आप है ना डिनोमिनेटर में अरेंजमेंट लिख रहे हो या सिलेक्शन। अगर आप डिनोमिनेटर में सिलेक्शन लिख रहे हो तो फिर तो आपको 2 3 और 3 2 को एक ही ट्रीट करना है ना, क्योंकि यहाँ पर आपने सिलेक्शन लिखा। अगर आप यहाँ पर अरेंजमेंट लिख रहे हो ना, अरेंजमेंट किया, पहला नंबर सेलेक्ट किया, फिर अगला नंबर सेलेक्ट किया, तो फिर आपको 2 3 और 3 2 को अलग अलग मानना है। ये क्या है? 6 × 5 / 2 है, 6 × 5 / 2 है, और ये 6 × 5 है, पहला नंबर कोई, फिर अगला नंबर कोई और, तो ये अरेंजमेंट शो कर रहा है ना। ये क्या शो कर रहा है? ये 6 × 5 क्या शो कर रहा है? कि आपने क्या किया है, अरेंज किया है। और 62 क्या कर रहा है? आपने दो चीज़ों को सेलेक्ट किया है। ओके, इसको 2 फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका ये अरेंजमेंट बन जाएगा। भाई एन सी आर इंटू आर फैक्टोल क्या होता है? एन पी आर, है ना, याद आ रहा है? एन सी आर इंटू आर फैक्टोल कितना होता है? एन पी आर। तो सेलेक्शन इंटू उनका कॉरस्पॉन्डिंग अरेंजमेंट इज द अरेंजमेंट। तो डिपेंड करता है आपने न्यूमरेटर में क्या लिखा है, सॉरी डिनोमीटर में क्या लिखा है। जो डिनोमीटर में लिखा है उसी के अकॉर्डिंग आप न्यूमरेटर में लिखो। खैर अभी इस पे करते हैं, क्योंकि अपन गिन रहे हैं ना, काउंटिंग कर रहे हैं ना। अगर एक्चुअली में कुछ कर रहे होते पीएनसी का तो बात थी, पर अभी पीएनसी का सवाल ही नहीं है, तो बिल्कुल दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है। कितना आया? 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 कितना आया? 5 दिख गए ना, 5। तो एक के साथ कितने आ रहे हैं? 5। हाँ भाई, 2 के साथ 2 3 आएगा, 2 5 2 3 2 5 है ना, वेरी गुड है ना, 2 3 2 5 दो, और 3 4 3 5 है ना, 3 4 3 5 4 3 नहीं लेंगे ना, उल्टा नहीं आएगा ना, 3 4 ले लिया ना मैंने, 4 5 आएगा बस, है ना, 4 5 हाँ +1 +1 4 5 और फिर 5 6 आएगा, है ना, ठीक है, ये आपका आंसर। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द चांस दैट 4th पावर ऑफ एन इंटीजर चोजन रैंडमली एंड्स इन डिजिट 6। एंड्स इन डिजिट 6, तो इंटीजर अपन ने रैंडमली सेलेक्ट किया। देखो, अगर इंटीजर के आखिरी में 0 आएगा तो 0 की पावर 4 कितना आएगा? 0। 1 की पावर 4 कितना आएगा? 1। हाँ भाई, 2 की पावर 4 कितना आएगा? 6 आएगा। 3 की पावर 4 कितना आएगा? लास्ट में कितना आएगा? 1। 4 की पावर 4 और 5 की पावर 4 हाँ भाई, 6 की पावर 4 7 की पावर 4 क्या हुआ, है ना, बनाएगा। हाँ, 8 की पावर 4 9 की पावर 4 ठीक है, बनाएगा, और 0 ले लिया बने, ठीक है, ये है। व्हाट इज द चांस दैट 4th पावर ऑफ एन इंटीजर, तो संसार में कितने इंटीजर है? इनफाइनाइट। संसार में इंटीजर जिनके अंत में 0 आता है वो कितने हैं? इनफाइनाइट। संसार में वो इंटीजर जिनके एंड में 0 आता है या 1 आता है या 2 आता है 3 आता है 4 आता है, ये सब क्या है?
बराबर बराबर, तो रैंडमली अगर आप सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है रैंडमली, तो किसी भी इंटीजर के अंत में 0 या 1 या 2 या 3 के आने का चांस क्या, बराबर बराबर। ये सब बातें क्या हैं, एग्जॉस्टिव हैं, इनके अलावा और कुछ हो नहीं सकता। ये बातें एक्सक्लूसिव हैं क्योंकि इनमें से कोई दो एक साथ हो नहीं सकते। तो कितने इवेंट हैं, 10, 10 के 10 इक्वली लाइकली एग्जॉस्टिव, और समझ गए ना, तो सबका किसी भी एक के होने का चांस कितना होएगा, 1/10 1/10 1/10। प्रॉबिलिटी ऑफ, अच्छे से लिख लो अंग्रेजी में प्रॉबिलिटी, सुनो रे सुन तो लो, प्रॉबिलिटी तो बस पी सी लिखना है ना, उसको क्यों पूरा लिख रहे हो, है? एनी इंटीजर रैंडमली सिलेक्टेड एंड्स विद 0, प्रॉबिलिटी एनी इंटीजर रैंडमली सिलेक्टेड एंड्स विद 0, एनी इंटीजर रैंडमली सिलेक्टेड एंड्स विद 0 इज 1/10, ठीक है। ठीक है भाई, आंसर बताओ इसका, आंसर बताओ भाई, कौन कौन से केसेस हैं जिसमें 4th power 6 में एंड हो रहा है, 4/10, 1 2 3 4, 4/10, आइदर वी सेलेक्ट एन इंटीजर विच एंड्स इन डिजिट 2 और वी सेलेक्ट एन इंटीजर विच एंड्स विद डिजिट 4 और दिस और दिस, कितना आएगा, 1/10 1/10, कितनी बार आएगा, 4 बार, 4/10, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ो, ए हैज 3 शेयर्स इन अ लॉटरी इन विच देर आर 3 प्राइजेस, 6 ब्लैंक, बी हैज 1 शेयर, ए हैज चांस ऑफ, बी हैज चांस 16:7, अरे ये लॉटरी वॉटरी खेली कभी, अच्छा कभी वो स्क्रैच कार्ड खेला है, स्क्रैच कार्ड, अच्छा वो खेला है, वो बॉटल को घुमाते हैं, वो क्या होता है, ट्रूथ एंड डेयर, हाँ वो खेला है, कपड़े खुलवा लो पेड़ से कभी भी, है ट्रूथ एंड डेयर खेला हुआ है, लेकिन वो स्क्रैच कार्ड है, वो डायमंड कॉमिक्स पढ़ना ये सब नहीं किया, सीधे बड़े कांड करते हैं भाई, छोटे मोटे क्या है, हाँ अभी पढ़ो पढ़ो दोबारा पढ़ो, ट्रूथ एंड डेयर खेला हुआ है, लूडो खेला तुमने, लूडो देयर आर 3 प्राइजेस 6 ब्लैंक, ब्लैंक का मतलब क्या है ना, ब्लैंक का मतलब है ओके, कई बार आपने देखा होगा जब आप स्क्रैच कार्ड करते हैं ना, स्क्रैच ऐसे करके कि भाई आप कार्ड को स्क्रैच कर लो, वो क्या आता है वो, व्हाट डू कॉल, कॉइन, कॉइन होता है ना, 1 रुपए का कॉइन है, किससे आप स्क्रैच करते हो, वहां पर लिखा आपको 5 करोड़ का प्राइज निकल गया सपने में, ठीक है ना, पर एक में होता है नमस्ते टाटा बाय बाय, ठीक है ना, देखा कुछ कुछ लिखा तो होता ही उसके अंदर, है ना, ऐसा कुछ अपना तो कभी नहीं निकला, हाँ ए हैज 3 शेयर्स, तो क्या है, ए को जो दिया गया ना, ए को दिया गया, उसको बोला आपको 3 कार्ड्स को स्क्रैच करना है, ठीक है, और उन कितने हैं, कितने ऑप्शन है यहाँ पर उसके पास, 9, वो 9 में पहले ही पता है कि 3 में तो प्राइज निकलेगा और 6 जो है वो खाली है, तो आप ये जो है 3 जो शेयर है, 3 हिस्से हैं उसके, तो 3 को स्क्रैच करेगा, तो बताओ ए का जीतने का चांस क्या होएगा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए विंस, विंस का मतलब है, अरे कुछ तो आए, विन का मतलब क्या हुआ, कुछ तो आए भाई, 1/9 मतलब 1/3, देखो बेटे है ना, अभी तक ये जो था ना, ये सब चुन्नू मुन्नू थे सवाल, ठीक है ना, और अभी एक लेक्चर भी नहीं हुआ प्रोबेबिलिटी का, तो तुम अभी जो कर रहे थे ना, वो 2+2=4 कर रहे थे, ठीक है ना, अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, ठीक है ना, प्रॉबिलिटी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, तो सावधान हो जाओ, ठीक है ना, इतना आसान नहीं है प्रॉबिलिटी, जितना आप 1/9 2/3 4/5 है, ऐसा नहीं है प्रॉबिलिटी, अभी IIT के सवाल आएंगे ना, उसमें ऐसा आंसर आएगा, 6163/4
72984 ठीक है ना, हाँ ऐसा आएगा, अरे बाप रे, हाँ ये आएगा इस तरह का सवाल, अरे बस समझ में, रुक जाओ आराम से, कोई जल्दी नहीं है, मैं डरा नहीं रहा हूँ लेकिन मैं तुम्हें सच्चाई बता रहा हूँ, ठीक है ना। थ्री प्राइज इन सिक्स ईयर्स कितना आएगा भाई, अगर मान लो जीत नहीं है तो कोई कुछ तो आ जाए भाई, क्या आ जाए, एटलीस्ट वन, जीतना क्या बोलेंगे इसको, लिखो प्रोबेबिलिटी, एटलीस्ट वन ड्रॉ इज विन, एटलीस्ट वन ड्रॉ इज विन, कम से कम कोई एक अपना स्क्रैच कार्ड अपने किया, स्क्रैच किया तो अपना कम से कम कोई एक तो निकला है, एटलीस्ट वन, एटलीस्ट वन इज प्राइज, एटलीस्ट वन इज प्राइज लिख लो या एटलीस्ट वन विन लिख लो, एक ही बात है। हाँ भाई, एटलीस्ट वन विन कितना होगा, टोटल माइनस ऑल ब्लैंक, है ना भाई, अब वो लेंदी हो जाएगा ना, एटलीस्ट वन विन, सॉरी एग्जैक्टली वन विन, एग्जैक्टली टू, एग्जैक्टली थ्री की बजाय अपन क्या करें, टोटल माइनस ऑल ब्लैंक करते हैं, ये ज़्यादा आसान रहेगा, है ना। हाँ बेटे, ऑल ब्लैंक कितने हैं, टोटल कितने हैं, नौ, नौ में से कोई भी तीन सेलेक्ट करने, सारे ब्लैंक सेलेक्ट कर लिए, ब्लैंक कितने हैं, छः, छः में से तीन, ये आ गया आपका कुछ न आने का चांस, टोटल माइनस कुछ ना आया, इसका मतलब कुछ ना कुछ आया, वैल्यू आप निकाल लोगे ना, 63, 93 सब पता है आपको, ये वैल्यू आप कैलकुलेट कर लोगे, ये हो गया ए के जीतने का चांस। हाँ भाई, बी के जीतने का चांस, बी का बहुत सिंपल है, बी का बहुत सिंपल है, बी के जीतने का चांस क्या है, दिख गया है तो, क्योंकि ए की है ना, तो जी बी के जीतने का चांस क्या है, 1/3, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विनिंग इज 1/3, क्या पूछा है, दिस अपॉन दिस कर लोगे आप, है ना, दिस अपॉन दिस।